नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट डॉक्टर संजय गुप्ता। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे खर्राटे के बारे में। खर्राटे आजकल एक ऐसी समस्या बन गई है जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग तो सोते ही खर्राटे शुरू कर देते हैं। खर्राटा जान लेते हैं, खर्राटे होता क्या है। खर्राटे एक ध्वनि है जो नाक और गले से निकलती है। होता क्या है, जब गले की त्वचा में स्थित जो टिश्यू होती है उसमें वाइब्रेशन आने लगता है, उसमें कंपन होने लगती है, तो ये खर्राटे की आवाज आती है। कई बार क्या होता है कि जो जीभ की स्थिति होती है, इस स्थिति में किसी तरह की गड़बड़ी होती है, जैसे जीभ मुड़ना या गले के अंदर चले जाना या बाहर थोड़ा सा निकल जाने की वजह से भी हमारे गले की और नाक की जो टिश्यू होती है उसमें कंपन शुरू हो जाती है और खर्राटे की आवाज आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है कि लोग बाग इसे समस्या मान ही नहीं रहे, लेकिन खर्राटे की समस्या खर्राटे लेने वाले को पता नहीं चलता। लेकिन जो अड़ोस पड़ोस में सोता है, जो बगल में सोता है या उस कमरे में कोई और व्यक्ति सो रहा है, उस व्यक्ति को इससे बहुत ही दिक्कत होती है, उसे बहुत सारी समस्या का सामना करना पड़ता है। उसकी परेशानी से लोग दूसरे लोग सो नहीं पाते, तो है ना खर्राटे की समस्या। लेकिन ये खर्राटा लेना अच्छी बात नहीं है, इससे फ्यूचर में कई तरह की समस्या ऊपर हो सकती है। तो दोस्तों, हम जान लेते हैं कि खर्राटे के कारण क्या है और इसका उपचार क्या है। अगर समय रहते हम इसका उपचार कर लेते हैं तो हम बड़ी से बड़ी समस्याओं से बच सकते हैं। दोस्तों, हमने जहां तक देखा है, हमारे पास जो मरीज आते हैं और खर्राटे की शिकायत बताते हैं, तो उनकी सबसे पहला कारण ही मैंने देखा है मोटापा। जिन लोगों का मोटापा अधिक होता है, जो लोग मोटे होते हैं, जिनका वजन जरूरत से ज्यादा होता है, वैसे लोगों में खर्राटे की शिकायत बहुत अधिक रहती है। वो सोते हैं और सोते ही नाक बजाना शुरू कर देते हैं। अगल बगल जो सोता है वो जब उसकी आंख खुलती है तो उसे अजीब सा लगता है। दूसरा कारण मैंने देखा कि जैसे नाक व गले में कि जो मसल्स होती है उसमें किस तरह की दिक्कत आती है, तब भी व्यक्ति खर्राटे लेना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, हमें अपने वजन पे कंट्रोल करना है, नॉर्मल वजन रखना है, जिससे खर्राटे जैसी समस्या नहीं आएगी। इसके साथ साथ अगर गले में या नाक में किसी तरह की मसल्स में किस तरह की दिक्कत है उसे सही कर लेना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, कभी कभी किसी को सर्दी लग जाती है, जब नाक बंद हो जाती है या गले में सूजन आ जाती है, ऐसी कंडीशन में भी लोग खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। हमने देखा है कि स्मोकिंग करने वालों को ये अधिक समस्या होती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो सिगरेट का बीड़ी का धुआं जो होता है वो अंदर जाता है और हमारे गले की मसल्स, नाक की मसल्स जो होती है उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, उसमें सूजन आ जाती है। फिर जब रात को सोते समय जीभ अपनी स्थिति बदलती है तो उस समय गले के मसल्स में, नाक के मसल्स में कंपन शुरू हो जाता है और जब कंपन शुरू होता है तो खर्राटे शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसलिए स्मोकिंग से बचना है। अगर आप स्मोकिंग से बचते हैं तो खर्राटे जैसी बीमारी आपको नहीं लगेगी। कभी कभी देखा गया है किसी किसी के रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो श्वसन तंत्र होता है, फेफड़ों में, गले में किसी तरह की दिक्कत आ जाती है या गले में कफ रुक जाता है, तब भी खर्राटे की शिकायत आ जाती है। तो अगर ऐसा रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई दिक्कत आती है तो आप रेस्पिरेटरी सिस्टम को सही करके खर्राटे को भी ठीक आप कर सकते हैं। हमने देखा है कि कभी कभी लंग्स प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाता है और उचित मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ पाता है, ऐसी कंडीशन में भी लोग बाग खर्राटे लेना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हमें लंग्स को भी सुचारू रूप से सही रखना है, उसे सही रखेंगे तो खर्राटे की समस्या नहीं आएगी। कभी कभी मैंने देखा कि जहां ऑक्सीजन की कमी होती है, सही से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, ऐसी कंडीशन में भी लोगों के नाक से खर्राटे की आवाज आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, ये रही कारण, आप इसका समाधान इन कारणों को
निवारण करके आप इसका समाधान कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको मैं बहुत बढ़िया नुस्खा बता रहा हूं, जिस नुस्खे से 100% आपके खर्राटे ठीक हो जाएंगे। दोस्तों इस नुस्खा को ध्यान से सुनना आपको और ध्यान से करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये नुस्खा तैयार कर लेते हैं, तो आपका 2-4 दिन में खर्राटे कम हो जाएंगे और कुछ दिन लगातार इसे करेंगे तो आपका खर्राटा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा, खर्राटे की आवाज नहीं आएगी। इस नुस्खे से सबसे बड़ी फायदा यह है कि शरीर से कई तरह की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। दोस्तों तो आइए जानते हैं कि हम इस खर्राटे को कैसे खत्म करें। इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों तो अब आपको खर्राटे को ठीक करने के लिए करना क्या है? करना आपको ये है कि इसमें गाय का घी का प्रयोग करना है। गाय का घी, कैसे गाय का घी निकालना? आपको सबसे पहले आप गाय का दूध ले लीजिए, उसे दही जमा दीजिए। दही जमाने के बाद से उसे आप मथेंगे तो उस दही से घी निकलता है, उस घी को तैयार करना है। यानी कि गाय के दूध से बने दही से घी बनाना है। आप अगर 1 किलो दूध की दही जमा लेते हैं तो इतना घी निकल जाएगा आपका कि आपके खर्राटे ठीक हो जाएंगे। जी बड़ा आसान है, दही घर में जमा सकते हैं आप, और दही से जो मलाई ऊपर होती है उससे आपको घी निकालना है। उस घी को निकालकर चाहे वो थोड़ा सा 4 चम्मच 5 चम्मच जो भी आपका निकलता है उसे एक शीशे में भरकर रख लीजिए। रात को सोते समय उस घी को चम्मच में कम से कम 8-10 बूंद डाल दीजिए। पहले चम्मच को गैस पर गर्म कीजिए और उस घी को 8-10 बूंद डाल दीजिए। घी थोड़ा सा मुलायम हो जाएगा, मतलब पानी जैसा हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा। फिर उससे क्या करना, आपको 5 बूंद दाहिने छेद में और 5 बूंद बाएं छेद में आपको डालना है। 5-5 बूंद डालकर और उंगली रखकर ऐसे खींच लेना आपको। फिर इसमें जब डालेंगे तो इसमें उंगली रखकर ऐसे खींच लेना है। खींचकर आपको आराम से सो जाना है। अगर आप ऐसा करते हैं, यानी कि आप नाक के दोनों छेदों में 5-5 बूंद गाय का देसी घी डालते हैं तो आपके ये खर्राटे की समस्या ठीक हो जाएगी। दोस्तों घी कैसा होना चाहिए? घी आपका गाय के दूध के दही से निकला हुआ घी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके सिर से जुड़ी जितनी समस्या है सारी ठीक हो जाएगी। ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिलना शुरू हो जाएगा। गले की कोई समस्या होगी वो ठीक हो जाएगी। फेफड़े आपके प्रबल हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे, और नाक की मसल्स जो मांस बढ़ जाती है, हड्डियां बढ़ जाती हैं, वो सारा नॉर्मल हो जाएगा और ये खर्राटे की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी। दोस्तों अगर आप इस खर्राटे का इलाज कराना चाहते हैं तो किसी डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर एलोपैथिक अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं तो आप सालों खा लेंगे, एक खर्राटे आपके ठीक नहीं होगा लेकिन 10 बीमारियां आपको और लग जाती है। इसलिए ये दादी माँ के आसान नुस्खे, बड़े आसान नुस्खा है। घर पे इसे तैयार कीजिए और अपने नाक के नथुनों में डालिए। 2-4 दिन में आपको आराम मिल जाएगा और 15 दिन में खर्राटे जड़ से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं हम आपसे नए वीडियो के संग। जय हिंद, जय भारत।